हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम राउंड डबल बॉर्डर बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, इसके लिए हमने राउंड नेक के जितने फंदे हैं उनको उठा लेना है। जैसे ये मैं बेबी स्वेटर बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 71 स्टिचेस उठाए हैं और आपने ऑड नंबर में ही फंदों को उठाना है। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट रो होगी रॉन्ग साइड से शुरू होगी, क्योंकि राइट साइड से हमने फंदे उठाए हैं। पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो हमने ये वाली जो पूरी रो है उसमें एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनना है, और पहला फंदा हमारा उल्टा है और ऑड नंबर है, तो लास्ट फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। तो ये वाली रो हम एक उल्टा और एक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा, रो वन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, रो टू में हमने क्या करना है। ये हमारी राइट साइड आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, अगला फंदा हमने उल्टा बुनना था तो हम धागा आगे लेकर आएंगे, लेकिन इस फंदे को हमने बुनना नहीं है, स्लिप कर लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। उल्टे फंदे को हमने बुनना नहीं है, सीधे फंदे को बुनना है, उल्टे फंदे को धागा आगे रखकर स्लिप करना है। फिर धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, धागा आगे स्लिप, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे स्लिप, धागा पीछे एक सीधा। तो हमने पूरी रो में यही रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा आ गया था। अब इस तरफ से हमने वही करना है जैसे हमने रो टू में किया था। पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, इस बार सीधा फंदा बुन लेंगे, उल्टा फंदा धागा आगे लाकर स्लिप कर लेंगे, सीधा फंदा बुन लेंगे, उल्टा फंदा धागा आगे लाकर स्लिप कर लेंगे, फिर सीधा फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाकर। इस तरह से हमने ये वाली रो और जितनी हमने विड्थ रखनी है अपने इस बॉर्डर की, उतनी रोज हम ये बनाते जाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 13 रोज 13 सिलाइयां जो है इस तरह से बना ली है। सीधे सीधे फंदे को बुनते गए, उल्टे उल्टे फंदे को हर रो में हम स्लिप करते गए थे। अब देखिए हमने क्या करना है, इस जो रो में हमने फंदों को कास्ट ऑफ करना है। देखिए, उसके लिए हमने इस तरह से जितनी हमारे वर्क की विड्थ है, चौड़ाई है, उसका 3 गुना धागा हम इस तरह से काट लेंगे। पहले फ्रेंड्स, हमने नीडल में अब ये थ्रेड डाल दिया है। अब देखिएगा, हमारे नीडल पर ये एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरह से फंदे हैं। जो पहला सीधा फंदा है उसमें हमने पर्ल वाइज इस तरह से नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लेना है। जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे नीडल डालकर ये धागा खींच लेंगे। अब देखिए, जो अगला फंदा है उसको हमने पहले फंदे के पीछे से, ये हमारा उल्टा फंदा है, पहले फंदे के पीछे से इसे हमने जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे बुनते हुए धागा खींच लेना है, ऐसे नीडल डालते हुए। ये देखिए इस तरह। अब ये जो पहला फंदा है इसे हम उतार लेंगे नीडल से, इस तरह से उतारेंगे। देखिए, जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतार लेंगे। अब ये जो हमारा अगला उल्टा फंदा है इसे छोड़कर उससे अगला जो सीधा फंदा है, देखिए उसमें इस तरह से नीडल इंसर्ट करेंगे और इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा उल्टा फंदा है इसमें हमने पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करनी है, जैसे उल्टा बुनते हैं, और धागा खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा हमने इसको टाइट रखना है। ये धागा खींच लिया। अब इस उल्टे फंदे को हम गिरा देंगे और जो अगला उल्टा फंदा है, ये देखिए एक सीधा है, उसके बाद जो उल्टा फंदा है उसको हमने सीधे फंदे के पीछे से इस तरह से नीडल लानी है और इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे धागा खींच लेंगे नीडल इंसर्ट करके। ये देखिए इस तरह से। अब जो ये आगे वाला सीधा फंदा है इसे हमने जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतार लेना है, और जो ये अगला सीधा फंदा है देखिए उसमें हमने पर्ल वाइज जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे नीडल इंसर्ट करनी है और इस धागे को खींच लेना है ऐसे।
अब जो ये उल्टा फंदा है देखिए, इसमें हमने फिर से वैसे ही पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करनी है और इस धागे को इस तरह से खींच लेना है। अब इस उल्टे फंदे को भी गिरा देंगे। अब हमारे नीडल पे ये वाला सीधा फंदा और अगला उल्टा फंदा है, तो इस सीधे फंदे के पीछे से हमने उल्टे फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लेना है। दो तीन बार जब ये स्टेप्स आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो सीधा फंदा है इसे हमने जैसे सीधा बुनते ऐसे नीडल इंसर्ट करके उतार लेना है, और अगला सीधा फंदा ये उल्टा है, इससे अगला ये वाला सीधा फंदा उसमें पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करके धागे को खींच लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा डबल जो बॉर्डर है उसकी कास्ट ऑफ देखिए इस तरह से स्टार्ट हो गया। फिर से देखिएगा ध्यान से, अब हमने ये खींच लिया है। अब हम जो अगला उल्टा फंदा है उसमें पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करके इस धागे को खींचेंगे और इस उल्टे फंदे को ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे नीडल पर ये पहला सीधा और उसके बाद उल्टा फंदा है, तो ये उल्टे फंदे को हमने सीधे फंदे के पीछे से इस तरह से सीधा बुनते हुए धागा निकालना है। अब इस सीधे फंदे को इस तरह से उतार लेंगे और अगले सीधे फंदे को ये उल्टा छोड़ के अगला सीधा जो है इसमें से पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करके एक धागा खींच लेंगे। अब इस उल्टे फंदे को भी पर्ल वाइज धागा खींच लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब पर्ल वाइज धागा खींचने के बाद इस उल्टे फंदे को हमने ड्रॉप कर देना है। तो यही स्टेप्स फ्रेंड्स हमने रिपीट करने हैं। देखिए फिर से एक बार, ये हमारा सीधा फंदा है, उसके बाद उल्टा फंदा है। सीधे फंदे के पीछे से हमने उल्टे फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करके धागा खींचना है। ये देखिए, अब इस सीधे फंदे को उतार लेंगे और इस उल्टे के बाद जो अगला सीधा फंदा है उसमें पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करके इस तरह से धागे को खींच लेंगे। अब फिर हम इस उल्टे फंदे को पर्ल वाइज धागा खींचकर ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। ये देखिए, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा एक सीधा फंदा है, उसके बाद एक उल्टा फंदा है। तो सीधे फंदे के पीछे से उल्टे फंदे को हमने इस तरह से जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल घुमाकर धागा खींच लेना है। ये देखिए, अब हमने इस सीधे फंदे को इस तरह से उतार लेना है, और ये उल्टा है, इसके बाद जो ये सीधा फंदा है इसमें हमने पर्ल वाइज इस तरह से धागे को निकाल लेना है खींचकर। अब ये वाला उल्टा फंदा जो है इसमें से भी पर्ल वाइज इस तरह से धागा खींच लेंगे। फिर इस उल्टे फंदे को गिरा देंगे और अगले उल्टे फंदे को फिर से हमने बैक साइड से सीधा बुनते हुए जैसे सीधा बुनते हैं वैसे नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लेना है। फिर इस फंदे को उतार लेंगे सीधे फंदे को, और अगले उल्टे फंदे से नीडल इंसर्ट करते हुए पर्ल वाइज इस तरह से, और फिर इस उल्टे फंदे को पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करते हुए धागा खींच लेंगे। तो हमने ये बार बार रिपीट करते हुए जाना है। अब इसे गिरा देंगे, फिर से हमने बैक साइड से इस तरह से, तो ये हम बार बार रिपीट करते हुए इस बॉर्डर को कास्ट ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट फंदे तक इस तरह से कर लिया है। लास्ट फंदे में हमने इस तरह से नीडल इंसर्ट करके इसे लॉक कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा डबल बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा बैक साइड से। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा किसी भी प्रोजेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।